प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेक्स्ट। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे दो बहादुर, शिक्षित और सशक्त मुस्लिम महिलाओं को। जहां एक तरफ आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की सिटीजन है और अपनी समझदारी और खूबसूरती के लिए जानी जाती है, और दूसरी ओर आप देखेंगे उनकी स्पेशल गेस्ट भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और लुबना जैदी जी का जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके चैनल को भी जाके जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। मुसलमानों की एक बहुत बुरी आदत है कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में पजामे का नाड़ा खोल करके हक देता है। ये बहुत बुरी आदत है और जो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब देखिए, मान लो मुसलमान किसी बहुत इलीट, बहुत क्लासी अपार्टमेंट में रह रहा है, अब उसको प्रॉब्लम हो जाएगा कि मेरे फर्स्ट फ्लोर वाले BMW में क्यों घूमते हैं, मेरे पास ऑल्टो क्यों है। उनको ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो जेलेसी में मरते चले जा रहे हैं। आप मुस्लिम लड़कियों से आपस में गैदरिंग बना करके मिलो, ये इतनी सुंदर क्यों है मैं क्यों नहीं हूँ, ये इतनी वोकल क्यों है मैं क्यों नहीं हूँ, ये इतनी शिक्षित क्यों है मैं क्यों नहीं हूँ। अब जो मुसलमान लड़के हैं, हम उनको कहते रहेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री कहते रहेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ेगा नहीं, लेकिन जो पढ़े हुए लोग हैं उसको क्रिटिसाइज जरूर करेगा। जो किसी पोजिशन पर बैठे हुए हैं उसको क्रिटिसाइज क्यों करेगा, क्यों करना ही है उसको। क्रिटिसाइज करने से उनके मन को शांति मिलती है, हमने बुरा तो बोल दिया ना, ठीक है हम कहीं पहुंचे नहीं है, वो अपने आप को सुकून देता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि इजराइल ने कभी भी इन फ्रंट जाकर के पहले हमास और फिलिस्तीन पर कोई अटैक नहीं किया, पहले हमास और फिलिस्तीन ने अटैक किया। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे पर उन्होंने इजरायली बहु बेटियों का बलात्कार किया, उन्होंने इजरायली बहु बेटियों को नंगा परेड करवाया, उन्होंने इजरायली बहु बेटियों को हाथ पैर बांध करके उनका रेप करते वक्त नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे पर वीडियो करवाया, 3-3 महीने के बच्चों को माइक्रोवेव में जलाया, 68 ईयर की महिलाओं का बलात्कार किया गया है और उस पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोला गया है। और मेरे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि तुमने अल्लाहु अकबर के नारे की बेहुर्मती की है, क्योंकि अल्लाहु अकबर का नारा जो होता है वो हम नमाज पे तहलीमा जब बांधते हैं तब हम अल्लाहु अकबर बोलते हैं और तहलीमा बांधते हैं, या हम कोई बहुत अच्छा रिचुअल काम करते हैं या इस्लामिक काम करते हैं तब हम अल्लाहु अकबर का नारा देते हैं। बलात्कार करते वक्त अल्लाहु अकबर का नारा देना, इट्स कंप्लीटली अनपार्डनेबल सिन फॉर मी एज अ प्रॉपर कुरानिक मुसलमान। मेरे लिए यह अनपार्डनेबल सिन था और मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी, कल भी, पहले भी, आने वाले वक्त में भी मैं इसराइल का फुल समर्थन करूंगी और हमेशा टिट फॉर टैट होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस का ना लुबना एक लिमिटेशन होता है। आप बर्दाश्त करते रहोगे सामने वाला आपको बर्दाश्त करवाता रहेगा, आप गालियां सहते रहोगे सामने वाला आपको गालियां देता रहेगा। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीपी सपाने, उन्होंने क्या कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो अगर कोई आपके ऊपर बेजा जुल्म कर रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिल्कुल कुरान को फॉलो करते हुए इसराइल और इसराइल के नितिन्याहू साहब जो है वो जुल्म सहे और अब उसका जवाब दे रहे हैं। ना आई थिंक कि अब हमारे भारत के हिंदुओं को भी इस बारे में सोचना और समझना चाहिए और हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सर, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मैंने जब यही चीज बोली है मुसलमानों को कि ये जो इतनी गंदी घटिया हरकत हमास ने करी और अल्लाह के नाम पे करी, कुरान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, तो एक तो आप लोगों को इस चीज से, आप उनको कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो जवाब मुझे यहाँ आता है कि ओ वो तो बहुत बेचारे लोग हैं, वो बहुत अप्रेस्ड लोग हैं, उनके ऊपर तो बड़ा जुल्म हुआ है, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए हैं क्योंकि इसराइल ने इतना जुल्म करा है इन लोगों के ऊपर। तो मैंने कहा भले अगर करा भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम के नाम पे आप इस्लाम को बदनाम करें, अल्लाह अकबर बोले और रेप करें औरतों का, ये कहाँ लिखा हुआ है।
मैं दूसरा जवाब ये आता है लोगों की तरफ से कि हाँ जो हुआ 7 अक्टूबर को चलो वो तो था बुरा, मगर इसराइल ने पहले अटैक करा पैलेस्टीनियन के ऊपर के, यानी कुछ हफ्ते पहले शायद कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे पैलेस्टाइन के लोग, वहां पर 200 लोगों को शूट करा गया जब वो अनआर्म्ड थे, तो फिर इस टाइप की बातें वो लोग बोलते हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगी? देखिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि जब अल कुरान इतनी ज्यादा इज्जत महिलाओं को दिया है कि पूरी एक आयत नाजिल हो गई सूरे मरियम की, बीबी मरियम पर, और जन्नत की पहली शहजादी जो है वो बीबी फातिमा को एक्सेप्ट किया गया और अल्लाह तबारक ताला ने इसका जिक्र किया है अल कुरान में। और उसके बाद फिर अगर करबला के जंग पर हम जाते हैं तो बीबी जैनब और बीबी सफिया अगर ना होती तो शायद करबला की जंग ही नहीं जीती जा सकती थी। और अगर बीबी खतीजा के बारे में बात करें तो वो तो बहुत एम्पावर्ड थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब महिलाओं की इतनी इज्जत अफजाई, और अल्लाह तबारक ताला ने सूरह अल बकरा में, सूरह अल अनस में कई बार जिक्र किया है कि जेंडर इक्वालिटी उनकी नजरों में है, जितनी इज्जत मर्द की है उतनी ही इज्जत औरत की भी है, ये अल्लाह तबारक ताला ने कई सूरतों में, कई आयतों में और कई वर्सेस में कहा है। अब जब अल कुरान में इतना ज्यादा इज्जत दिया गया है महिलाओं को, तो फिर ये नासिर खान बलात्कार क्यों करता है? जबकि इस्लामिक पनिशमेंट के हिसाब से अगर कोई औरत को बदजुबानी से बात करे तो आज भी मिडिल ईस्ट में, UAE वगैरह में तो जुबान काट दिया जाता है, अगर गालियां निकाल दिया जाए तो जुबान काट दिया जाता है, विदाउट कंसेंशुअल अगर इंटीमेट रिलेशन होता है तो औजार काट दिया जाता है। हमारे इस्लाम के हिसाब से अगर आप किसी का रेप करते हो, मर्द की मुसलमान पुरुष किसी का रेप करता है, तो इस्लाम में ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि इस्लामिक पनिशमेंट दिया जाए, एक पूरा मजलिस मजमा लगाया जाए, पहले उसके औजार काटे जाए और उसके बाद पत्थर मार मार करके उसकी हत्या कर दी जाए। दिस इज इस्लामिक पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट As per the Quran, according to Islam, this is the Islamic punishment. अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो, अगर कोई झूठ बोले तो उसका जुबान काट दो। तो हमास और फलस्तीन के सारे मर्दों का तो औजार कट जाना चाहिए। अगर हम वाकई में, अगर वो लोग और जो लोग हमास और फलस्तीन की हिमायत और सपोर्ट में और समर्थन में खड़े हैं, तो वो ये नारा क्यों नहीं लगा रहे कि भाई हम इस्लामिक पनिशमेंट देंगे उसको। सेकेंड थिंग इज कि अभी देखिए, 3 दिन पहले ईरान के एक इमाम ने कहा है कि औरत हमारे लिए एक, मैंने उसको ट्वीट भी किया है और काफी लोगों ने, हजारों लोगों ने उसको रीट्वीट मारा है, इस्लाम में औरत को गाय समझो, इस्लाम में औरत का दर्जा खेत का है, हम और इस्लाम ने औरत को हमारे डिजायर्स को पूरा करने के लिए, ये एक इमाम कह रहा है ईरान का। एंड द बेस्ट पार्ट इज लुबना के आई हैव कमांड ऑन अरबिक लैंग्वेज, मैं उर्दू, अरबी, फारसी, ये सारे लैंग्वेज बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ जानती हूँ, तो मुझसे ना कोई स्लिप नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें देखते भी हैं सोशल मीडिया पर वो समझ नहीं पाते हैं कि पता नहीं क्या बोल रहा है इमाम। पर फिर मैंने उसको अपने लैपटॉप पे लिया, उस पर सबटाइटल डाला, फिर उसको अग्री करवाया मिडिल ईस्ट से, मैं उनका नाम नहीं लूंगी जिससे मैंने करवाया, और उसके बाद फिर मैंने उसको ट्वीट किया है और वो क्रिस्टल क्लियर कह रहा है गाय है, खेत है और अय्याशी का सामान है, सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करने का सामान है। तो मुझे एक चीज फिर मैं कहना पड़ रहा है मुझे कि अल्लाह के अल कुरान में और अल्लाह के इस्लाम में औरत की इज्जत है, लेकिन जिन्ना के मुसलमान में और जिन्ना के इस्लाम में औरत की कोई इज्जत नहीं है, कोई। अगर मैं पूछ सकती हूँ कि फिर कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार ये तो कुरान में भी लिखा हुआ कि खेती का वर्ड इस्तेमाल करा गया है, तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगी? नहीं, कहाँ है खेती का वर्ड? शरिया में। अच्छा, शरिया में। अब जैसे हमारे अल कुरान में 72 वर्जिन हूर का कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर पूरे 30 पारा के किसी भी वर्सेस में 72 वर्जिन हूर का कोई जिक्र नहीं है। हमारे 30 पारे में अल कुरान में हिजाब, नकाब, अबाया, बुरका कोई जिक्र नहीं है, जिलबाब वर्ड है। तो हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हाँ, मैं भी यही समझती हूँ कि हिजाब का मैंने भी पढ़ा नहीं था, मगर मैं उनके चैनल पे गई थी बहुत महीने पहले, साहिल एक्स मुस्लिम, उन्होंने कुरान के वो वर्सेस दिखाए थे, वो बोल रहे थे ये तो खेती का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने वो सही अल बुखारी उन्होंने दिखाया होगा, और मैं
एक्स मुस्लिम साहिल को अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मुसलमान है पाकिस्तान में या बाकी देशों में या भारत में, ये लोग या तो शरिया को पढ़ते हैं या तो देवबंद की किताब को पढ़ते हैं या सही अल बुखारी को पढ़ते हैं। तो अच्छा है कि वो उसी के रेफरेंसेस से वो दिखाता है, ये बहुत अच्छी चीज है कि उसी के रेफरेंस से दिखाने से क्या होता है कि दिमाग के पट्टे खुलते हैं। इसलिए मैं एक्स मुस्लिम साहिल को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत फैक्ट पर वो बातें रखता है, लेकिन हमारे अल कुरान में खेती का कोई वर्ड नहीं। अच्छा, थिंक उन्होंने कुरान ही में दिखाया था, मगर उसको दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह लुबना जैदी जी और नाजी लाइक खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया और खुलेआम ये भी कहा कि वो इसराइल को सपोर्ट करती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।